नमस्ते दोस्तों मैं आर्य आर्े किचन पे आप सभी का दिल से स्वागत है आज मैं लेकर के आई हूँ हैदराबादी दम बिरयानी बिल्कुल खिली खिली अलग एक एक दाना बिल्कुल अच्छे से पका हुआ परफेक्ट रेसिपी और यहाँ पे बिल्कुल पीस भी अच्छे से पक गया है दिखाते हैं हम यहाँ आपको और अगर आप चिकन खाने के शौकीन रखते हैं चिकन लवर है तो आप हैदराबादी दम बिरयानी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी हमारे चैनल पे पहले भी है बट वहाँ पे हमारे दोस्तों को सही से समझ में नहीं आ रहा था कि कितने मिनट कैसे कैसे इसको पकाना है तो मैं फिर से आ गई हूँ ले करके के हैदराबादी दम बिरयानी रेसिपी की तो सबसे पहले आपको प्याज को फ्राई कर लेना है तो प्याज को भी फ्राई करना हम देख लेते हैं इस वीडियो में आप लोग को एक एक चीज़ें अच्छे से समझने को मिलेंगी अच्छे से देखने को मिलेंगी कोई भी चीज़ स्किप नहीं की गई है इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है तो सबसे पहले हमें प्याज को फ्राई करना है प्याज को पतले पतले कट करिए और तेज आंच पे प्याज को फ्राई करना है एकदम क्रिस्पी गैस को स्लो करेंगे तो प्याज ऑयल सोखेगी इसलिए तेज आँच पर ही प्याज को फ्राई करना है बराबर से जैसे मैं चला रही हूँ उसी तरह चलाते रहना है नहीं तो आपकी प्याज कोई कोई जल जाएगी कोई कोई सीख जाएगी ऐसे एक साथ प्याज आपकी नहीं सीखेगी अगर आप अच्छे से प्याज को बराबर चलाएंगी नहीं तो तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है तो ये देखिए अब छन्नी में निकाल दे रहे हैं इसलिए क्योंकि तेल जो एक्स्ट्रा तेल है ना निकल जाएगा तो इसी तरह से आप करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा तो इस तरह से स्टील के छन्नी में निकालिए प्लास्टिक की छन्नी आती है उसमें मत निकालिए उसमें जल जाएगी वो तो ये देखिए इसमें हमने छान लिया है और गैस को इस वक्त मैंने बंद कर दिया है अगर आप प्याज देखिए ध्यान से फ्राई करिए ना जले यहाँ पे चिकन लेना है जितना लेना है आप मतलब कितना बनाना है वो आपके ऊपर है आधा किलो चिकन लिया हुआ है मैंने आधा किलो चिकन में आपको 400 ग्राम दही चाहिए तो यहाँ पे 400 ग्राम मैं दही ले ले रहती हूँ और यहाँ पे दाल चीनी लूँगी छोटा टुकड़ा दो बड़ी इलायची लिया हुआ है दो छोटी इलायची ली है मैंने और यहाँ पर मैंने लिया है पाँच छः लौंग लिया है और काली मिर्च ली है मैंने तो यहाँ पे अब हम सारे मसालों को और डालेंगे प्याज डालेंगे सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लेना है तो फ्राई किया हुआ धनिया डाल रही हूँ धनिया का फ्लेवर हमारे घरों में सबको पसंद है पुदीना भी डालते हैं बिरयानी में तो आप पुदीना का फ्लेवर पसंद है तो पुदीना लीजिए अदरक लेंगे दो चम्मच यहाँ पे लहसुन लेंगे दो चम्मच और सारी चीज़ें लेने के बाद अब हम मसाले लेंगे रेड मिर्ची मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तोड़ करके तो आप मिर्ची अपने स्वाद अनुसार लीजिए मिर्ची नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मसाले जो डालेंगे उसमें थोड़ी सी मिर्ची होगी तो यहाँ पे अब हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक लीजिएगा और अब हम यहाँ पे हैदराबादी चिकन दम बिरयानी मसाला लेंगे हैदराबादी uh, इसी मसाले से मैं बनाती हूँ जो भी आपको ब्रांड का मसाला पसंद हो आप ले सकते हैं तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ दो पैकेट ये मसाला लेना है हैदराबादी दम बिरयानी वाला मसाला जो बिरयानी मसाला हैदराबादी का तो दो पैकेट ले लेना है आपको और दो पैकेट मैं यहाँ पे चिकन मसाला ले रही हूँ एवरेस्ट का आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो तो ये मैं डाल रही हूँ लेकिन हैदराबादी दम बिरयानी है ये तो हैदराबादी बिरयानी मसाला इसमें ज़रूर डालिएगा स्किप नहीं करिएगा तो इससे आपका बिल्कुल हलवाई स्टाइल रेस्टोरेंट में जो मिलता है वो टेस्ट आता है तो वो ज़रूर डालना है आपको यहाँ पे हैदराबादी मसाला जो होता है हैदराबादी बिरयानी मसाला डालना ज़रूरी है अच्छे से मिक्स करिए देखिए आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं मैं पलटे से ही यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ तो आप हाथों से मिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से इनको मिक्स करके इसको करीब एक घंटा तो रख देना है तो देखिए यहाँ पे हरी मिर्ची मैं तोड़ के डाल देती हूँ आप लोग यहाँ पे मिर्ची स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है पतीले में पानी गरम होने के लिए यहाँ पर दालचीनी डालेंगे दो टुकड़ा छोटी इंच लौंग डाल दिया मैंने पाँ पाँच छः यहाँ पर काली मिर्च डाल रही हूँ और बड़ी लाची एक या दो डाल दीजिएगा बड़ी इलाची जो होती है और पानी अच्छे से जब खोलने लगे तो इसमें मैं चावल डालूँगी इस पानी में आप ज़रा सा ऑयल डाल देंगे तो आपका चावल जो है चिपचिपा नहीं बनेगा और यहाँ पे नींबू का रस डालिए एक चम्मच मैं बॉटल में भर के फ्रिज में नींबू का रस स्टोर की हूँ तो वो डाल दिया मैंने नमक डालूँगी मैं यहाँ पे दो चम्मच तो यहाँ पे आप ना नमक अपने हिसाब से डालिए कम चावल ले रहे हैं तो कम डालिएगा और ये चावल देखिए आधा किलो मेरा चिकन था तो मैंने चावल लिया हुआ है आधा किलो ही बराबर लिया हुआ है चावल आप ज़्यादा कम कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने जितना आपको चावल ज़्यादा भी ले सकते हैं नहीं कि आप चिकन कम लेते हैं तो यहाँ पे आप चावल ज़्यादा नहीं ले सकते चावल ले सकते हैं चावल की क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से जितने घर में आपके परिवार हैं अब चावल देखिए खुला ही इसको खौला लेना है और चावल कैसे कितना पकाना है तो देखिए चावल को पचास परसेंट पकाना है नहीं समझ में आता है तो देखिए हाथों पे लीजिए और चावल के दो टुकड़े तीन टुकड़े हो रहे हैं तो समझ जाइए और थोड़ी सी हल्की सी दरार है चावल में ठीक है जैसे सूजी जैसी तब चावल गैस को बंद करिए और इन्हें छन्नी में छान लीजिए या तो कॉटन का कपड़ा है उसमें छान लीजिए मैं कॉटन के कपड़े में ही इसको छान ली हूँ और थाली में इसको रख दीजिए ताकि ठंडा हो जाए इसके पकने की प्रोसेस जो है वो कम हो जाए नहीं तो आप गलती से भी चावल को भगवने में ऐसे मत छोड़िए नहीं तो पानी सोख कर जाएगा तुरंत से छानना है अब यहाँ पे एक बर्तन लीजिए जिसमें आपको बनानी है अपनी बिरयानी तो यहाँ पे हम तेल डाल देंगे जिसमें हमने फ्राई किया था ना वही तेल मैं यहाँ पे एक कप तेल डाल दी हूँ ताकि और अच्छे से बर्तन में तेल को ऐसे फैला दीजिए ताकि हमारा नीचे से चिकन चिपके ना अब पूरा चिकन आपको एक तले में पूरा ही चिकन डालना है क्योंकि चिकन पकने में टाइम लगता है इसलिए लेयर पे लेयर नहीं करना है चिकन जितना है उतना सारा चिकन आप नीचे रखेंगे उसके बाद हम चावल रख देंगे चावल को फैला लेना है अच्छे से सेट कर देना है तो ये कैयर तो चावल का हो मतलब चिकन का हो गया और चावल का इसके ऊपर ज़रा सा हम नमक देखिए चुटकी भर ही नमक लेना है क्योंकि चावल में नमक नहीं है इसलिए थोड़ा सा डालेंगे नमक मसाले ग्रेवी में तो नमक है थोड़ी सी मसाले डालेंगे ताकि हमारे चावल में भी मसाले आ जाए वही मसाले हमारे और चिकन मसाले और हैदराबादी मसाले हैं वही डालेंगे थोड़ा सा एक एक चम्मच मसाला डाल रही हूँ मसाले अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे धनिया डाल देंगे हरी मिर्ची डाल देंगे अब हम यहाँ पे ज़रा सा मार्केट जैसा होटल जैसा लुक देने के लिए इसमें कलर डालूंगी तो मैं यहाँ पे पीला कलर डाल रही हूँ और ऑरेंज कलर डाल रही हूँ तो पानी में ज़रा सा घोल के कलर को डाल दीजिएगा और इसके बाद फिर से हम चावल की क्वान्टिटी अपना दोबारा से लेयर बनाएँगे रखेंगे तो पूरा चावल जितना मैंने बॉयल किया था उतना चावल आ गया था इस पतीले में तो ये देखिए ये रख दिया और प्याज नमक जैसा प्रोसेस हमने उस बार किया नमक थोड़ा थोड़ा ही डालना है ज़्यादा नमक नहीं डालना है मसाले डाल देंगे चिकन मसाला मैं डाल दूँगी अपना यहाँ पे एक चम्मच के अनुसार आपको डाल लेना है और यहाँ पे प्याज डाल दीजिए प्याज आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है प्याज मैं तेज़ सारा डाल रही हूँ और यहाँ पे धनिया भी ढेर सारा तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं तो ये यह यहाँ पे हरी मिर्ची डालेंगे अच्छे से अपने बिरयानी को साज सज्जा बिरयानी का करते हैं तो ये यह देखिए यहाँ पे मिर्ची डाल देंगे फिर कलर डाल देंगे दोनों कलर हम डाल देंगे तो यहाँ पे अब हमारा आता है आखिरी मेन स्टेप होता है कि हम बिरयानी अब बना रहे हैं तो उसमें ऑयल ऊपर से डालिए नहीं तो आपका जो चावल है वो जल जाएगा तो थोड़ा सा देसी घी या ऑयल डाल दीजिए तो मैं यहाँ पे चार चम्मच तेल डाल देती हूँ ठीक है तो वो डाल देंगे यानी कि आधा कटोरी ऑयल इसमें आ जाता है उसके बाद ये स्टेप भी आपको बड़े ध्यान से करना है अच्छे से नहीं तो ये ना आ, नहीं अच्छे से करेंगी तो फिर आपका जो बिरयानी है वो बनते वक्त अच्छे से दम नहीं आएगा तो वो पकेगी नहीं तो हाथों से इसको अच्छे से पकड़ लीजिए ऐसा ढक्कन लीजिए ऐसा कि इस पर अच्छे से सेट हो जाए आटा गूद के आटा थोड़ा सा गीला होना चाहिए अच्छे से सेट कर दीजिए देखिए मैंने अच्छे से आप लोग को दिखाया सेट कर दिया है मैंने अपने पतीले को अब आएंगे यहाँ पे गैस के पास तो अभी हमें रखना है इसको आज का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है तो देखिए यहाँ पे हम मीडियम आंच पर 10 मिनट अपनी बिरयानी को पहला स्टेप है ये पकाने का 10 मिनट रखेंगे ठीक है तो 10 मिनट के बाद हम इसको चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पे हमने लो आंच पे रखेंगे 10 मिनट उसके बाद फिर से हम तवे पर रखेंगे 15 मिनट ठीक है यहाँ पे हम पंद्रह मिनट तवे पे रखेंगे मीडियम आंच पे फिर लो आंच पे पंद्रह मिनट रखेंगे तवे पे अच्छे से समझ लिया आपने देखिए मैं फिर से बता देती हूँ दस मिनट मीडियम आंच पे रखना है दस मिनट लो आंच करनी है तो उसके बाद तवे पे रख करके हमको पंद्रह मिनट रखना है मीडियम आच पे तवे पे भी और पंद्रह मिनट लो पे अब बिरयानी हमारी पक गई चलो खोलते हैं तो देखिए तुरंत से बिरयानी को खोल देना है इसको रखना नहीं है अंदर इसके भाप बनेगी तो वो चावल गीला हो जाएगा अच्छे से आराम से खोलिए हाथों पे चाकू ना लगे और हाथ जल रहा था तो मैंने टावल ले लिया अच्छे से इनको खोलते हैं और देखते हैं कि ये पके हैं या नहीं पके हैं तो इनको अच्छे से खोलिए तब तक मैं खोल रही हूँ तो आप लोगों को फिर से मैं बता देती हूँ कि कितने मिनट हमने पकाया हुआ था ताकि हमारे दोस्तों को समझ में आ जाए तो देखिए दस मिनट हम रखेंगे मीडियम आँच पर दस मिनट हम लो आँच पर उसके बाद तवे पर रखना है पंद्रह मिनट मीडियम आंच पे और फिर दस मिनट पंद्रह मिनट ही हमको लो आँच पे रखना है ठीक है अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया तो ये देखिए हमारी बिरयानी जो है अच्छे से पक गई है पूरी तरह अच्छे से एक देखिए चावल भी अच्छे से पके हुए हैं एक एक दाना अच्छे से खिला खिला बना हुआ है तो अभी मैं पीस भी दिखाऊंगी कि पका है नहीं पका है पीस नीचे है चलिए दिखाते हैं थाली में इसको मैं सर्व कर लेती हूँ ये देखिए एक एक दाने और कितना गर्मा गर्म एकदम होटल जैसे लग रहे हैं ना कलरफुल तो ये देखो एकदम अच्छे से पक गए हैं और ये देखिए चिकन भी अच्छे से पक गया है तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया कैसे पकाना है मैंने बार बार बताया है कैसे पकाना है दस मिनट हम मीडियम आँच पर रखेंगे दस मिनट हम लो आँच पर रखेंगे फिर तवे पर रखेंगे पंद्रह मिनट मीडियम आंच पे और फिर से तवे पर ही लो आंच कर देंगे और बिरयानी को तुरंत ही खोल लेना है उसको रखना नहीं है नहीं तो बिरयानी जो है भाप बन जाएगा तो वो गीला हो जाएगा उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच